नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल, आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, सहारा मामले की सुनवाई पिछले तीन मतलब आज तीसरा दिन है सुनवाई की। 3 सितंबर 2023 से चल रही है, 3 के बाद 4 को और 4 के बाद 5 को। दोनों दिन का जो डिटेल है हमारे पास अलग अलग न्यूज़ के माध्यम से आई है, जिसको हमने बताया है, जाकर के आप चेक कर सकते हैं। और आज भी NDTV के रिपोर्ट के हिसाब से क्या जानकारी निकल के आई है उसकी मैं जानकारी देने जा रहा हूँ, और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही जानकारी होगी और ऐसा ही कुछ आदेश आया होगा। और इसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको खुद से भी जाकर के आप पढ़ सकते हैं। इस रिपोर्ट के हिसाब से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को 30 दिनों का समय दिया है। किसके लिए? तो अभी 1,000 करोड़ रुपया जमा कराना होगा। कहाँ? सहारा सेवी के रिफंड खाते में। हालांकि ये जो मामला है 10,000 करोड़ का है, चूँकि 25,000 करोड़ का 2012 में आदेश हुआ था, जिसमें कि 15,000 करोड़ जमा हो गया था। लेकिन थोड़ी सी अभी राहत दी है, लेकिन पूरी तरह से राहत नहीं है। इसमें अलग अलग जो पॉइंट्स लिखा हुआ है उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं कि दो कंपनियां थी, सहारा इंडिया रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। 30 दिनों के भीतर सहारा से भी रिफंड खाते में 1,000 करोड़ रुपया जमा कराने का निर्देश दिया गया है। और इसके अतिरिक्त शेष कमी को पूरा करने के लिए, यानी कि 9,000 करोड़ को पूरा करने के लिए, उनका जो भी प्रॉपर्टी है, लैंड है, उस पर समझौता करने के लिए आपस में कि कैसे उसको रिकवर कर पाएंगे, उसके लिए दोनों को 30 दिन का समय दिया, यानी कि सहारा और सेवी को उसके लिए भी 30 दिन का समय दिया गया है। और तीसरा क्या है आपको बता दें कि तीसरा ये कहा है माननीय कोर्ट ने इस रिपोर्ट के हिसाब से कि सहारा की अन्य कंपनियां जो भी प्रॉपर्टी बेचेगी उसमें से जो भी आय होगा उसको सहारा सेवी रिफंड खाते में जमा करेगी। कहने का मतलब, सेवी का जो 10,000 करोड़ सहारा के पास बचा हुआ है वो किसी भी तरह से सहारा को जमा करना है, और इस आदेश में वही है जो कि इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। अब इसका जब फाइनल ऑर्डर आएगा तब असल में पता चल पाएगा कि आखिर जो इसमें बताया गया है वो सही है कि नहीं है। क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, और 2022 का भी हमारा वीडियो जा करके चेक कीजिएगा, तो यही बताया था कि 2012 में जब आदेश आया था तो मात्र 15,000 करोड़ सहारा ने जमा कराया था, और बाकी क्या किया उन्होंने, कन्वर्जन कर दिया। और कन्वर्जन करके वो ये दिखाते रहे कि हमने डायरेक्टली लोगों को पैसा दे दिया, जबकि आपको पता होगा कि किसी को पैसा नहीं मिला। क्या मैं ये बात सही कह रहा हूँ, एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और सभी लोगों को यही कहूँगा कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइएगा, नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गुमराह करेंगे, और गुमराह करके कहीं ना कहीं लोगों को फंसाएंगे। और ये कंटेम्प्ट का मामला चल रहा है, जिसमें कि सुब्रत राय जेल भी गए थे, उन्होंने 10,000 करोड़ जमा नहीं किया था, यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं माना था, और इसीलिए वो जेल के अंदर रहे थे। मोदी जी की सरकार आती है उसके बाद ये कन्वर्जन शुरू कर देते हैं, फिर वो जेल से निकलते हैं, पैरोल पे बाहर आते हैं और बाहर ही रहते हैं। और बाहर रहते हुए उन्होंने क्या किया, पहले आपका क्यू शॉप, उसके बाद अलग अलग सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया। कई लोग आपको ये कह रहे थे कि पोर्टल के बारे में इसमें सुनवाई होगी, ये होगी, कुछ लोगों ने केस भी लगा रखा है, उनकी सुनवाई नहीं हुई। और पहले भी हमने यही कहा था कि कंटेम्प्ट का मामला है, और इसमें विशेषकर यही देखा जाएगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसका किसी भी तरह अनुपालन कराया जाए, यानी कि 25,000 करोड़ उस खाते में पूरा होना चाहिए, और उसी के तहत ये सुनवाई हो रही थी। और लगातार पीछे जो रिपोर्ट्स आ रहा था उसमें यही था कि 10,000 करोड़ किसी भी तरह से जमा कराना है। और इसमें भी सहारा चाहेगी कि वो पैसा ना दे, क्योंकि पहले भी सहारा ये दबा करते आ रही है कि जो पैसा उन्होंने लोगों को डायरेक्ट दे दिया है, इसीलिए जो सहारा से भी रिफंड खाते में पैसा पड़ा हुआ है उनका है, और इसीलिए उनके जो एजेंट है ये कहते हैं कि भाई पैसा हमको दे दीजिए, हम सबको बांटेंगे। तो ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और आपको पीछे खड़ा करा करके इनकलाब जिंदाबाद इसलिए करवा रहे हैं ताकि वो पैसा उनको मिल जाए, और उनको जब मिल जाएगा तो फिर आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उन्होंने पेपर पे एक प्रूफ बना लिया है कि हमने आपको पैसा दे दिया। इसी का नाम कन्वर्जन है, और इसको समझिए। और अभी जो लोग भी जल्दीबाजी में जाकर के शेयर एप्लीकेशन फॉर्म भरे रहे हैं उनको कल को फिर से पछताना पड़ सकता है, क्योंकि आपके साथ आज धोखा होगा, आज समझ में नहीं आएगा, वो 2 साल के बाद समझ में आएगा, कब, जब फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा, फिर जब अटक जाएगा तब पता चलेगा। तो इसीलिए पहले भी आपको नहीं पता चला था और आप धोखे में आ गए, और आपको ये बता दिया गया कि सहारा इंडिया का ही स्कीम है। हालांकि 2015 में इंडियन बैंकिंग का
लाइसेंस रद्द कर दिया गया था और जिसकी जानकारी आपको नहीं मिली थी। ठीक है, आपको उस समय जानकारी नहीं मिली, लेकिन अभी मैं लगातार जानकारी दे रहा हूँ। आपको याद होगा पोर्टल के बारे में हमने शुरू में ही बता दिया कि अभी क्लेम मत कीजिए, उसके बाद भी लोगों ने क्लेम किया और मेरे पास ज़्यादातर जो मैसेज और कॉल आते हैं जिन लोगों ने क्लेम कर दिया और पैसे नहीं मिले तो मुझे मैसेज करते रहते हैं कि कैसे होगा। तो मैंने बोला कि इसका सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है, क्योंकि ये बात तो हमने पहले ही बताया और सरकार से मांग भी किया है कि पोर्टल के अंदर जो आवश्यक सुधार है वो होगा, तभी जा करके उसके माध्यम से आपको पैसा मिलने की बात होगी। अब ये जो कंटेम्प्ट का मामला है इसमें आगे क्या होगा, इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है, एक लाइन नीचे मैं आपको बताना भूल गया, कि 30 दिन के बाद फिर से माननीय कोर्ट इस केस की सुनवाई करेगी, जैसा कि इस रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है, और ये देखने के लिए कि माननीय कोर्ट ने जो आज आदेश दिया है यानी कि 5 सितंबर 2024 को वो अनुपालन हुआ कि नहीं, ये लिखा हुआ है। और जैसे ही वीडियो ख़त्म होगा मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। दोस्तों, आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सभी लोगों तक पहुंचे ये जानकारी, और अगर आपको कोई गुमराह करे तो गुमराह नहीं हो, क्योंकि ठगी हुआ है आसानी से नहीं मिलेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, जागरूक रहिएगा तभी लड़ पाइएगा, जागरूक नहीं रहिएगा तो नहीं लड़ पाइएगा, कोई ना कोई आपका पेपर ठग लेगा। आपने देखा होगा बीच में यूट्यूब चैनल के माध्यम से अलग अलग जो एजेंट हैं ज़्यादा उछलना शुरू कर चुके हैं, और वो एक दावा कर रहे थे कि तीन से पाँच सितंबर के बीच सबका भुगतान होगा, ऐसा कह रहे थे। उन लोगों को खोजिए, पूछिए कि भैया क्या हुआ भुगतान का, भुगतान के कोई बात ही नहीं चल रही है। ये जो बात चल रही है, जो सुप्रीम कोर्ट में के आदेश के अनुसार जो 25,000 करोड़ जमा कराना था वो जमा नहीं हुआ है, वो है। उसके बाद अगर जमा हो जाता है तो फिर जैसा कि हमारे पास सेबी का लेटर आया है उसमें ये कहा है कि उन्होंने 2018 तक जो पैसा आपको दिया, किसको, जिन्होंने सेबी के पास क्लेम किया था, और जो पैसा उनके पास बचा है उसके दिशा निर्देश के लिए कोर्ट को लगा रखा है। तो फिर कोर्ट उसके बाद देखेगी कि भाई अगर सेबी की तरफ से अपील होता है कि ये इतने लोगों का पैसा, या फिर और लोग हमारे पास पिटीशन डेट ख़त्म होने के बाद भी हमें भेज रहे थे, तो फिर कोर्ट का अगर कोई आदेश आएगा तो उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। इसके साथ ही विदा लेता हूं। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।